Start. हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे काय रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या ये स्टार गराज है? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर। हेलो बाबू राव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबू राव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति ने, मारुति यस टीम टाटा सब मिलता अगर थोड़ी जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है बाजू का ग्राउंड में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव? बाबा रे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारा समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है? तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की, घर? ठीक, घर। घर एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। और दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है, मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बारे जाओ। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गाँव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए, तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो लाना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए, तो 200 चलेगा। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5-star होटल नहीं है, खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना, चल खोल ही दिखाता हूँ। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है? बाबा मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है। चल, और वो ऐसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक साले ने भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना? जी। चल, ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है और उसका टॉवेल टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। ये छोटा बगीचा जैसा बनाया है। और ये हमारा कुआं है। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। हाँ, तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आजा संडास दिखा तो। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के भाई, या गाना गा? तुमको गाना गाने आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। इस शैतान को यह कमरा दिया रहने के लिए? शैतान?
इसने तो बोला था श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। पावरोची, इसे गलत फहमी है। ए, चले चल, 1-2 का 4 हो, चल निकल यहाँ से, चल। अरे? चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा, चल यहाँ से निकल। मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया बजरंग बली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले चल, ये देखिए बाहर बाहर, चल ये मेरा बैग राजू, और चल तू, चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। रुक जा। नाम का है तेरा बाबू भैया? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है, और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम, अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा और अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये तू अपना सामान उठा और अंदर जा। ठीक है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा? तू जान है, मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। किसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा? एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। चल ये मैं, थैंक यू। अरे न करे, थैंक यू न करे। वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा, दारू, वहां जाके संतरे का बॉटल लेके जा। का है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ। ये दाल चावल कभी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। अशोक का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे, और खाना भी वही पकाए। और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेट के जैसा मजे मारने का। कल कौन सा दिन रहने का रे? शुक्रवार। हाँ शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल, और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा, तू अभी रात को किधर चोर की तरह भटकेगा, सुबह में जा। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के के दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे, कह रही सारा कौवा है रही। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश रहूं, तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी जाकर घुसे खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो, रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साई बाबा है। हाँ। साई बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2,000 रुपया उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं एक महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साई बाबा बनता है? तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ, तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। वाड़ा तेरा मुँह क्या कर रही है? सर लगे डबल एक्शन कर रही क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा, और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा, और वादा के भीख मांगना, बारह ना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं, मुर्गी का लाऊं? नहीं हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होते ही नहीं है ना। बिजनौरा भाई, क्या स्टैमिना है भाई का? क्या स्टैमिना है? मैं बहुत हैरान आदमी हूँ, मालूम है? हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपा है, क्या बात है? मैं समझता हूँ
दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। अरे भाई आप ही तो हमारे बैरेट चेक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमारे रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक मैं इंडिजिडेंट हूँ। बोल, तुम्हारे 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निर्मा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं कर दे क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे पिछनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए, चाहिए गारंटी चाहिए। है ना घर? घर घर अपना घर यार। अरे हाँ, तेरा मेरा अप्पू का, तीन घर अपने पास। हाँ तीन अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो घर है, बाप का घर है। खुद का घर है। पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? नहीं बोला, इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। ऐसा है क्या? टाइम खराब है इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदान हूँ, भिखारी थोड़ी है। सही बोल रहे हैं। तो लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है कंडीशन? वन, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ की वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। हाँ। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन। तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के अभी। एक मिनट फाइनल। हाँ, आप अभी घर बेचो और पैसा दो, चलो। करेक्ट क्या? हाँ, जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तू भी यार। हट, गलती हो गया क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना। अरे क्या बात है भाई, मजा आ गए। ए बच्चा पकड़ो, नंबर वन, नंबर टू पकड़ो, दैट्स ग्रेट। ए छोटे पकड़, शाबाश। ए पकड़ो, वेरी गुड डैडी। तेरे लिए पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। ए, तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियाँ दे, मर्द मर्द होता है वो। तो देखो अभी मैं एक बात बताऊँ, तुम गाली देते हो ना जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। ओ, मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या बो, बो। ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। हरारो, ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको मुंह में, मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो इसको मुंह में से बाहर निकलो। मैं कहता हूँ जला, उड़ जाओगे। जला भवानी, पति पति पति, जला। चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं, तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश, मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो
अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है। एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नविटा का ग्लास और गाजर का हलवा, समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुनो तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा एक मिनट इधर आएंगे। ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ, इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा। एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहाँ जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप। क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है, अभी आना नहीं दोबारा। मित्रा, मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने पे जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। यो यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीत क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैं तो चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? एक काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मित्रा, ये जो लड़की अभी आई थी ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जालिम सिंह से पूछ कर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस कामवाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज का तारीख है 26, परसों। मिलिट्री? चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट दे। अरे जल्दी कर। अरे जलाएगा कौन तेरा बाप? अरे
तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं 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 वो ऐसे तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं भाई बोला था ना, मुंह से निकल गया यार, जानते ना बाद में दम नहीं है। चल शराब डालो। और एक मिनट जरा, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वाले होंगे सब। अरे क्या कर लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है? आ तुम लोग जो इस तरह के लोग कभी मत लाना ख्याल दिल में, कभी ना। दामाद बनेगा तू? हाँ। 5 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ। अब एक क्या बात है कन्नू, बहुत टेंशन में लग रहा है यार। आइए। क्या हुआ क्या राजा? हाँ मामा ने तो दारू पी के नशे में उस बुड्ढे को बोल दिया है कि उसकी तीनों लड़कियों के लिए वर हम ढूंढेंगे। तो अब उन तीनों एंटिक लड़कियों के लिए लौंडे लाएंगे कहाँ से? इसलिए मैंने इश्तिहार दे दिया, एड छाप दिया कि खूबसूरत गुणवंती लड़कियों के लिए उल्लू के पट्ठों और जोरू के गुलामों की जरूरत है, पसंद आने पर दामाद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाँ तो बराबर है ना? बस बस 150 लोगों को निपट चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, एक से एक आड़े तेरे थे, देख मेरी खोपड़ी खत्म हो गई, तवे की तरह तपरे लाओ। अरे वाकई यार तेरी तो खोपड़ी सिगड़ी के माफिक तपरे लिए, तो वो बाहर खड़े ले उनका क्या होगा यार? उनको तू ही निपट भाई, मेरे में ताकत नहीं है, तू इस घर का होने वाला दामाद है ना, तू ही निपट। लो इस वायग्रा ने कई बुड्ढों को चरित्रहीन कर दिया। क्या भाई कोई अच्छी सी चीज दिखाइए। अबे ये कोई कोठा है या कोई तवायफ खाना है जो बोल रहा है अच्छी सी चीज दिखाइए? अबे चुसे राम तेरी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अबे अपनी उम्र का लिहाज कर, चीज मांग रहा है? अरे ठहरो ठहरो, मैं अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए मांग रहा हूँ। ओहो माफ करना चाचा, हमसे गलती हो गई, जरा अपनी इकलौती औलाद को बुलाएंगे आप प्लीज? अरे बेटा चांद जरा इधर आओ। हाय 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 हाय, ये तो कोई बीच की चीज लगता है, तू बीच में आ जा भाई, इधर आ जा। ये आपकी इकलौती औलाद है? ये आधी अधूरी सामान लेके क्यों घूम रहा है तू? अरे ये कोई साथ में लेकर घूमने लायक चीज है? मैं नहीं, ये मेरा इकलौता लड़का है। अच्छा कितना प्यार है, जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। ये जब पैदा हुआ था चेकिंग के लिए वो लोग नहीं आए थे? देख कैसे लहरा रहा, जैसे रस्सी पे दुपट्टा, किधर खड़ा रहा, मारूंगा मारूंगा। देखो ये मेरे चांद का टुकड़ा है। अच्छा मेरे आंखों का नूर है। इसे ज्यादा मजाक मत करो। अरे मजाक तो इसके साथ ऊपर वाले ने किया है, और इस मजाक को लेकर साथ में हमारा मजाक उड़ाने के लिए आप इधर आ गए? सीधा खड़ा रहे, हमारा देश न्यूक्लियर बना रहा है और तूने सुरसुरी बना दी, शर्म नहीं आई? हाँ और ये लवंगी फटाका फोड़ने के लिए हमारे घर मिला जाएगा तुमको? देखो ज्यादा बदतमीजी ठीक नहीं है इसके साथ। अच्छा वैसे एक बात बताना चाचा, ये अपने चांद ग्रहण की कोई कोई आइडेंटिटी तो बताओ। देखो मैं चाहता था लड़की। अच्छा और मेरी औरत चाहती थी लड़का, और ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली और ये फसल होगी। वैसे इनकी छोड़ो और इनकी पकड़ो। अच्छा अच्छा लड़की के बारे में क्या सोचो तुमने? मुझे ना खान बहुत पसंद है। मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ बुढ़ो, ये खान लोग की बात कर रहा है। अबे अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ सोचा है तूने? उसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में सोचा है। अच्छा डिटेल में क्या सोचा है? तो सुनो, चेहरा हो अनीफ जैसा और पर्सनैलिटी हो सलामत जैसी, और चंचलताएं हो हाय मारुख जैसी। और आसिफ अली खान के बारे में क्या ख्याल है? उसको तो आप सेफ में रखिए। क्यों तू बहुत ग्रेट है? अबे साले तेरे को पति चाहिए कि पत्नी चाहिए? अच्छा एक बात बता, तेरी बारात जाएगी कि आएगी? आएगी आएगी, ले कमाल का बाप है, हर बात में साथ देता है। इतना मजा आएगा जब बारात आएगी। हां देखो जी खड़ा आज दूल्हा बनके जाएगा ससुराल। अच्छा चाचा एक बात बताऊं क्या, इसको रोज शाम को ना धूप पर छोड़ा, रोज रात को थोड़ा सा पैसा ले आएगा। देखो हां आप हद से ज्यादा गुजर रहे हैं। अरे हम लोग उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में तुम उसके साथ रहते हो। ले जाओ प्लीज बगैर टिकट के लिफाफे को, ना ये बाप बन सकता है ना दादा, ना नाना तुम बन सकते हो, समझे तुम? चलो यार सुनो, एक मौका तो दीजिए। ले ये खान को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए, अरे संभाल इसको, समझ हटा यार। आप ही दीजिए ना मौका, जिसने अपने बाप को धोखा दिया वो मौका मांग रहा है उल्टा। प्लीज तूने क्या अखबार में इश्तिहार दे दिया यार, के शहर के जितने सड़ेले गलेले फटेले और हटेले लोग हैं वो इधर आ जावे? ये सब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने किया था, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे फटेला हूँ। हाँ ठंडा हो जा, चल ठंडा हो जा, चल ओके। जनाब अली, अगर आप दोनों हजरात खुराफात खजीना से फारिग हो चुके हों तो ये बंदा तशरीफ आवरी चाहता है। अबे पतझड़ के सड़ेले पत्ते, बाहर तेज हवा चल रही थी जो उड़ के अंदर आ गया,
तू है कौन बे? दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा, धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना, तो इतना धोएंगे कि तेरे ना सर पे ना बाल रहेंगे ना तेरे जिस्म पे छाल रहेगी। ये तो सूखा मैदान है बाबा। अरे अरे, तो सेठ जी का वो है, अरे आलू बुखारे यहाँ कैसे बना रहे? कनुभा एक बात बोलूं क्या यार, इसको देखते मैं पहचान गया था, मैं तो मजाक कर रहा था क्या तुम भी दूल्हा बनने आए? सरकार वो यूं कि इस नूरानी चेहरे के लिए कहीं कोई और नूरानी चेहरा भी किस्मत में होगा। अरे नूर तो ऐसा देखा नहीं यार, टप टप टपक रहा है यार, इतना नूर टपक रहा है, ये चांद तो रोशन अबे भूकंप में उजड़ी इमारत, तू शादी करने आया है क्या? देखिए जनाब, ये इमारत जरूर भूकंप में उजड़ी होगी, लेकिन ईंटें बहुत मजबूत है। मेडिकल सर्टिफिकेट है, तू चारों तरफ से अनफिट लग रहा है मेरे को सुखड़े। अरे लेकिन कनु भाई एक बात बोलूं क्या? बोलो यार, इसके जिस्म में एक चीज बहुत काम की है। हाँ यार, बोलूं तो क्या बोलूं मालूम है? इसके बाल। अरे बताओ ना यार, जब तू बाल काटेगा ना तो उसको फेंकना नहीं, बेचना। क्यों बोलूं मालूम है? बच्चों के स्वेटर बनाने के काम आएंगे। तू तो साला मल्टी मिलियनर बन जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार, तेरे बाल है ना वो करोड़पति बना सकते यार तेरे। देखिए जनाब, बदतमीजी की इंतहा हो गई, मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ, शादी करवाइए, दुल्हन का बंदोबस्त कीजिए। शादी क्या पड़ोसी के लिए करना चाहता है क्या? नहीं, क्या करना क्या चाहता है? वो तेरा तेरा बाप लेकर खड़ा रहेगा क्या कि अपने सर पे खिल चुकाएगा कि बेबी कॉल लगवाएगा तू? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को जाके बोलता हूँ कि इस उम्र में ये शादी करना चाहता है। चुप! अबे बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं, शादी करेगा सोचता कैसे भाई? एड़े तेरी खोपड़ी पे तो। एक अनु भाई, जाने दो जाने दो, इसकी नौकरी चली जाएंगी। आलमपना चला नहीं बेचते अब, माफ फरमाइए, आलमपना शानपना। चल एक बात बोलूं क्या कनु भाई? अरे इन लड़कियों के लिए हस्बैंड है, वर ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढते हैं, मेरा तो भेजा पटने। मगर मेरे साथ तो ऐसा क्यों बात कर रहे? उसको तो बोला बोला, मेरे साथ सीधा बात कर, क्यों मेरे को पका रहा तू यार? ए तू मेरी स्टाइल में कहे को बोल रहे ला यार। अबे शंकर यार, कहीं पे गाड़ी रोकना। काय को? अरे समझा कर यार, टैंकर फुल हो गया, खाली करने का, रोकना गाड़ी। गाड़ी नहीं रुकेगी। ओए क्या बंकस कर रहा है, रोकना, इमरजेंसी है यार। नहीं रुकेगी बोला ना साला, कभी नहाने के लिए रुकता है तो कभी चंपा गली के लिए। अभी गाड़ी सीधे खानपुर में रुकेगी। सीधे खानपुर? अरे यार खानपुर तो 4 घंटा दूर है, तब तक तो बाढ़ आ जाएगी यार। अरे क्या बोल रहा है, रुकना गाड़ी। बोला ना नहीं। अरे साला स्टीयरिंग हाथ में से शाला बनता है तेरी तो। अरे यार खड्डे तो देख कर चलाया कर, गाड़ी उछलती तो प्रेशर बढ़ता है यार। उफो, अरे यार साले तू तो। ये क्या कर रहा है? अब ओए हम उससे पानी पीते हैं साले। आज से नहीं पियेंगे। साला तू कब सुधरेगा रे साला? ओए ओए टेंशन टेंशन, अरे दूसरा बोतल जल्दी। अरे कहीं पर शुरू होता है तू, जल्दी ला। अरे जल्दी साला, आदमी के उठ तू। बोला था ना बाढ़ आएगी। छी क्या आइडिया मिला यार, आज से गाड़ी रोकने का टेंशन ही खलास। साला जंगली का जंगली रहेगा तू। ओए आप गाड़ी काहे को रोकी? हाँ सामने देख, तेरा ससुरा खड़ा है। ओए पुलिस, सलाम हवलदार साहब। हवलदार नहीं है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पकड़ सिंह। ओहो क्या नाम है, वाह 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 वाह, इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह। हाय पकोड़ा सिंह नहीं है, आप हम तो बड़े शरीफ बंदे। शरीफ बंदे, बड़ा शरीफ बंदा है, शराब पी के गड्डी चला दे हो क्या? अरे नहीं नहीं साहब, ये शराब नहीं है साहब, ये तो कुछ और है। चुप कर, पुलिस है, कलर पहचानती है, कलर लाजर ला। अरे ये लीजिए साहब। कमाल है भाई, देसी बोतल तक अंग्रेजी शराब टेस्ट करना। अरे नहीं साहब, इसको मत पीजिए साहब। शंकर ची 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 ची, मर गया, मेरे को बहुत मारने वाले ये। ओए कमाल की चीज है यार, ओ
केड़ी शराब है? पहली धार की है साहब। हैं? पहली धार की है। पीछे भी है कि? नहीं साहब, अब पीछे तो सिर्फ संतरा और मौसम्बी है। अंग्रेजी पीछे तो सी। उन्हें चक्कर ना मत चक्कर। चक्कर चक्कर। फाइट! पीछे किया? किये? ओए आगे शराब पीछे शराब। और कुड़ी की गाड़ी पीछे? कुड़ी? कौन कुड़ी? ओए तुमने पीछे छुपा रखी है, चक्कर किया हो तो? उतरो थल्ले। अरे थल्ले उतरो उतरो। अरे बोली बोली इंस्पेक्टर साहब। हो एक ही है किथे कुड़ी? अच्छे सी किथे गई? इंस्पेक्टर साहब लगता है आपको चढ़ गई। हाँ जी चढ़ गई। चलो 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 अपना काम करो। चलते इंस्पेक्टर साहब चलते हैं। चलो कुड़ी तो थी तो किथे गई यार? मैंने चढ़ गई है ना? नहीं हो सकता। ओ दूजी बोतल की थे। अरे साहब ये वो। अरे दूजी ला इधर बोतल। अरे दे दे यार, अपनी तो घर की खेती है। ले जाओ साहब ले जाओ, ऐश करना। लाओ सर, वेरी गुड। अच्छा पकौड़े सिंह जी हम चलते हैं। पकौड़े सिंह नहीं है, पकड़ सिंह है। हाँ पकड़ सिंह, पकड़ सिंह। चलो 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 चलो। शराब है शराब है, पीने के बाद कुड़ी रात। गड्डियां बड़ी बदल रही है और गड्डी जानी है चलागा मारजी। आ गए आ गए। नमस्ते करना अंकल को। हाँ उतरते ही मैंने तेनु। आओ 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 विक्रम आओ। देखो ये है हमारा 70mm परिवार वाइड स्क्रीन। नमस्ते वेलकम। लगता है ना सूरज बाट जाते कि किसी फिल्म का वीडियो कैसेट। आओ मैं क्या। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी। हाय। अरे शन्नू को देखो। विक्रम कितने बड़े हो गए हो। एंड सो हैंडसम। कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये हमारी छोटी बहन शन्नू, इस घर की शशिकला। शशिकला जानते हो ना? मैं चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। ये छोड़ेंगे तो बाकियों से मिलेंगे ना। वो तो है। ऐसे बुआ जी मैं भी बड़ा हो गया, मेरे भी गले लगो ना प्लीज। चलो ना जी। चलो चलो यार। अब मैं इनसे मिलवाता हूँ। आप हैं हमारे बड़े भाई राय साहब, नजीर हुसैन, इस घर के नजीर हुसैन। बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। ओके ओके बेटा, इतने सालों बाद मिले हो, गले नहीं लगोगे? अंकल सर मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। ये कौन है? कंट्रोल यार, ये मेरा दोस्त और पीए है वीरू। वीरू नमस्ते भाई। इन्हें पहचाना? हेलो ये मेरे भाई रमन, ये इनकी बीवी, और वो कमल उनकी बीवी और उनके बच्चे। हेलो 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 हेलो। कंट्रोल यार हेलो। अच्छा तो बताओ कि मैं कौन हूँ? बसंती। अब मेरा मतलब है किस घर की बसंती? हाँ डायरेक्टर साहब। देखा पापा, बचपन में साथ खेले और जवानी में भूल गए। By the way, I'm रिंकी। My daughter। ओ ये रिंकी है। कितनी बड़ी हो गई। हाँ तो इसी की बातें करता था हमेशा। बड़ी होगी, कमाल होगी। कंट्रोल यार। नहीं नहीं तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, ना फोन ना खत। इतने साल कहाँ थे? 3 साल तो तिहाड़ में थे। कंट्रोल यार 3 साल तेहरान में, 2 साल स्कॉटलैंड में। हाँ जी तेहरान तेहरान। वैसे हमारे जयपाजी की सारी उम्र है ना ऐसे ही घूमते घुमाते निकली है। जयपाजी मगर तुम्हारा नाम तो विक्रमजीत है ना? हाँ जी उसकी भी एक कहानी है। दरअसल क्या हो गया कि बचपन में हम लोगों ने शोले पिक्चर कुछ 25-50 बार देख ली और इमोशन में आकर हम लोगों ने अपना नाम जय और वीरू रख लिया। जयपाजी वीरू पाजी है जी। है बेटा तुमने बताया नहीं कि डैडी कैसे हैं? डैडी फर्स्ट क्लास है अंकल, मम्मी के साथ घूमने गए हुए यूरोप। हेलो हेलो मम्मी के साथ। हेलो जी। मगर बेटा तुम्हारी मम्मी तो 2 साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। वीरू पाजी मैं समझ गया कि माँ का एंगल बिगड़ा हुआ है फिल्म में, नहीं दूसरे रील में गायब। कुछ कर। क्या बात है बेटा? नहीं अंकल जी आप ये सवाल मत ही पूछो। देखो नहीं बेटा बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा वैसे नहीं अंकल, दरअसल क्या है कि इसकी डैडी ने ना इसको दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। देखो कैसे मुंह छुपा रहा बेचारा। लेकिन हुआ क्या है बेटा? लालत है वो, बता दूं? बता यार। उसकी डैडी ने ना दूजी शादी कर ली। रंजीत ने दूसरी शादी कर ली और बताया तक नहीं। और क्या बताएगा, किसी महारानी शहरानी से शादी की है, ऑफिस की नौकरानी से शादी की है, 5 साल छोटी जयपाजी से। ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। क्या नाम है बेटा नई मम्मी का? मम्मी का नाम तो दूर है,
आज के बाद अब डैडी का कंट्रोल योरसेल्फ जयपाल जी, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं ना ना ना, अंकल पागल हो गए, उनका नाम लेंगे नहीं लोगे ना? नहीं नहीं बेटा, आजा। अंकल जी मैं इनको अंदर ले जाता हूँ, अंदर जाके ना ही माइट फील लिटिल बेटर। ओके ओके, रिंकी जी आप हमें ज्वाइन कर लो ना, ही विल फील मोर बेटर। रिंकी विल फील बेटर देयर, यू गो देयर, यू स्टे देयर। ओ मैं क्या, ये कहाँ गए हम? एक बात बताऊं जय पाजी, हम लोग बुरे आदमी नहीं है यार, जब भी चोरी करते हैं बच जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं, अब भागे थे पुलिस से बचकर और कहां इस स्वर्ग में आ गए। विरूपा जी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। अब तूने कभी सोचा था हम लोग ऐसे कमरे में सोएंगे? और मैंने तो कसम खा ली है कि यहां से निकलने से पहले हम लोग इतना बड़ा हाथ मारेंगे, ऐसे सौ सौ बंगले बनाएंगे। विरूपा जी हाँ, तूने देखा ना एक एक के गले में एक एक किलो का हार लटका था। गला भरा है जयपा जी, गले मिलते हैं। है जी, है जयपा जी। क्या कर रहा है ऐसे, कैसे चल रहा है? कोई पुलिस वाला देखना दो मिनट में अंदर कर देगा, साफ मालूम पड़ेगा साड़ी के अंदर हट्टा काटा मर जा रहा है। अरे तो क्या करूं, औरतों की तरह चल यार, गर्भवती औरतों की तरह मटक मटक के दर्द दर्द में। आप क्या देख रही है? बड़ी बदसूरत बीवी है। अरे बीवी है, दाढ़ी निकल गई तो क्या करूं मैं? चलिए चलिए, अभी आता हूं। इधर आबे, शेव भी नहीं किया, बंद कर, धक्का लगा। और सुन, ना खोलना ना उठाना। अरे कैसी बात कर रहा है, खोलना ना उठाना यार। तेरा भी ना वन ट्रैक माइंड है, ना मुंह खोलना ना घूंघट उठाना। अच्छा अच्छा, बंद कर अभी। अच्छा बंद कर, चुपचाप रहना, एक वर्ड नहीं बोला, समझा? चल मेरे साथ चल। अबे कुछ तो बोल। अरे तूने तो कहा जबान नहीं खोल ली है। अबे हाँ यार, ना तो बोल सकता है। हाँ हाँ चल। हाय यार, घोड़े का बच्चा पैदा कर रहा है। हाय रे, क्या ऐसा लग रहा हूँ चकाचक? ये सुन, एक नंबर लगी है यार। अबे यार जो भी करना अभी कर ले, घर पास में आ रहा है। चल ठीक है, पीछे आके बैठ जाना, औरतों की तरह बैठना। अबे अंदर जाना यार, अंदर ही तो हूँ यार, भागा मेरे को। ए थाम, यही खड़ी रहियो, अरसन गंगट काल ले, कोई लेके भाग जाएगा। मैं अभी आया एक मिनट पीछे से। जी आओ बहन, तुम भी यही कर लो यार, दोनों पास पास जिंदगी भर मुत्ता रहेगा ये। गाना जरूर गाना है। हां यार, अबे चल 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 चल। टिटू टिटू टिटूआ, ए टिटू, कहाँ चला गया थे यार? टीटू टॉनी अंदर नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को अंदर देखने दीजिए। हमें दूध का पैसा लेना है। अरे हमें राशन का पैसा लेना है। राशन की दुकान है क्या? सामान उठा के ले जाएंगे। तुम्हारे बाप का माल है कि सामान उठा के ले जाओगे? पुलिस में बंद करा दूंगा। पुलिस की बात करता है कपूरथला, आज तो मेरा मकान खाली कर दो। कपूरथला का तो बन गया दही भल्ला। अरे तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, गटर के अंदर? अपना आलीशान मकान तो किराए पर दे रखा है उनको। हाँ दिया था किराए के ऊपर, और सारे कह रहे थे इतना किराया देंगे, इतना किराया देंगे कि ऐसे ऐसे 10 मकान बनवा लोगे। इसी चक्कर में अपना मकान छोड़कर तुम्हारी खोली में रह रहा हूँ, जहाँ खुजली मारा कुत्ता भी ना रहे। अरे लेकिन मेरा किराया तो दो। ओए आस्तीन के सांप, आस्तीन पकड़ते पकड़ते तू गरीबान तक पहुँच गया है। फिर देख ये ले किराया, ले किराया, इस तरह देखता क्या है, ये आज का फैशन है। 1 मीटर में 6-6 बनते हैं, स्टाइल है स्टाइल गुर्बत का। लेकिन तुमको तो चेक दिया था, चेक उन्होंने? हाँ दिया था चेक, ये चेक दिया था, ये चेक लेकर मैं वहाँ पहुँचा। जब उस जगह पहुँचा तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अंधा भी पढ़ ले। उस पर लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अरे तुम्हारे साथ तो गनीमत हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे पति को तो ऐसा चेक दिया कि 15 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अरे किसी लौंडिया के साथ रफू चक्कर हो गया होगा, तुमसे पीछा छूटा उसका। अरे कपूरथला तुमने देखा नहीं था कि वो फर्जी चेक था? अरे वो चेक चेक करने के लिए मैंने उन्हें चेक किया था कि ये चेक तुमको किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये चेक हमको इंस्पेक्टर पाशा की बीवी ने दिया था। अच्छा तो मैं पहुंचा इंस्पेक्टर पाशा के पास, और मैंने जाकर उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ने चेक दिया है। बस ये सुनना था कि इंस्पेक्टर पाशा ने निकाला डंडा और मेरे बदन की एक एक बोटी को चेक किया। लेकिन कपूरथला, इंस्पेक्टर पाशा ने तुम्हें मारा क्यों? वो इसलिए कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर पाशा तो रंडवा है। ये टूटवाने का है। लो एक और आ गया है। ओए ओए क्या है, किधर है वो टोली को बाहर निकाल।
अरे इतना चिल्लाता क्यों है, क्या हो गया है? गोलवती बेटे को गर्भवती बनाया मालूम है क्या? दोनों ने कही था मेरा बेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका मूड में आएगा वो चढ़ जाएगा। अब तू बाहर निकाल उसको, मैं काट के ना ओवर एक्टिंग कर रही। अरे खोते, ओवर एक्टिंग नहीं करती है, उसका वक्त पूरा हो गया, जज्जा खाने में ले जाओ। अरे अभी टाइम कहाँ है, इसे अंदर ले चलो, चलो जल्दी करो। सारी बाबू वाला डर जाएंगे तुम लोग। आप लोग बाहर ही रहिए, जल्दी चलो। वो दाई आ गई है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दाई लाओ या माई लाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुमने कुछ कहा? मैं क्या बोलेगा, और लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अब तो कुंगी बजने वाली है। इतनी मार पड़ी की आवाज बच्चों जैसी हो गई। बच्चा हो गया, वो बच्चा हो गया है। नाना बन गए। ओ यार क्या है, इसकी शक्ल तीजू से मिलती है और नाक तो बिल्कुल उस जैसी ही है। मर गए। ये यहाँ तो टोनी का है, लगता फिर बदल गया। चलिए कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे ना, अरे मैंने कहा कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे कपड़े उतारूंगा तो तुम भाग जाओगी। अरे कहीं आप बहरी तो नहीं है? तो फिर कपड़े उतारिए ना। अरे उतारिए ना कपड़े। देखिए शर्माइए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक औरत ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे लाजन, ये रही तेरी लाज, तो ये रही तेरी बंसी, हो गई लाज बंसी कल्ले। और मेरी बीवी कहाँ है?